इंडी एलायंस का छाता खोल रखा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। अभी हमने दो दिन पहले ही देखा है कि बिहार के उन्हीं सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जो दलितों में भी अति दलित है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में पूरी तरह अपमानित किया। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि रहे हैं, हमको बात नहीं समझ आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, अध्यक्ष महोदय के चलाया था साथ पार्टी में, अध्यक्ष महोदय जान करके भगा दिए उधर, अध्यक्ष क्या उधर रहे। इसीलिए हम कहेंगे आप आइए, असल समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बुल के बता रहे हैं, बहुत गलत बात है, लोग समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित दर्शन बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए गए, बैठिए, बोलिए मत, बात बोल रहे महाराज, बोलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, अरे चुनो ना यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए, आ इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको दो ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। ठीक है, कहता ही माने, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था ये, तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आपकी आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मुख्यमंत्री महोदय नहीं किया है, बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये चताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। यह अहंकार की भावना, दलितों का पान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है।